फौज फिल्मों की अदाकारों को खामोश रहने के लिए रकम देने का मामला, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी ने वोटिंग के बाद फर्द जुर्म का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार। अगले साल सदारती इलेक्शन लड़ने पर मजीद बाएं बाजू के डेमोक्रेट मेरे पीछे पड़े हुए हैं। साबिक सदर ने कार्रवाई सियासी दुश्मनी इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दी। पाकिस्तान और भारत के मामलात में कोई सिफर जमा की तजवीज़ नहीं। दोनों ममालिक से ताल्लुकात अपनी जगह पर कायम हैं। पाकिस्तान के जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का अफसोस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क, अपने फैसले खुद कर सकता है। अमेरिका और पाकिस्तान बहुत से इश्यूज़ पर मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात पर भी अहम शराकत दारी है। जमहूरियत, इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी से मुतालिक रबते जारी रहेंगे। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा विदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग। IMF के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ना ही प्लान बी। सऊदी अरब, चीन और मगरबी ममालिक को भी मजीद इंगेज करना होगा। पाकिस्तान चीन का मकरूज है। मगरबी ममालिक समझते हैं अगर कर्ज देंगे तो पाकिस्तान ये रकम कहीं चीन को ना दे दे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। रूस में जासूसी के इल्जाम में अमरीकी सहाफी गिरफ्तार, एवन ग्रिशकोविच की अदालत में पेशी। अदालत का रिपोर्टर को 29 मई तक हिरासत में रखने का हुक्म। अमरीका का मामले पर इजहार तशवीश। सहाफियों और मीडिया के खिलाफ रूस के इकदाम काबिल मजम्मत। बाइडन इंतजामिया गिरफ्तार रिपोर्टर के खानदान और रूसी हुकूमत से रबते में है। अमरीकी महकमा खारजा।